बेवकूफ नहीं है। दरअसल वो चाहते हैं कि देश का विकास हो। आपको मंदिर बनाने के नाम पे वोट नहीं दिया है, इस मुगालते में आप मत रहिएगा। आपने कहा कि काला धन वापस लाएंगे, 15 लाख आपके खाते में पहुंचाएंगे, इस नाम पे लोगों ने आपको वोट दे दिया है। अगर 5 साल में 15 लाख नहीं आया तो समझ लीजिए आपका वही होगा जो दूसरे लोगों का इस दूसरे राज्यों में किया गया है। ये बात आप दिमाग में रखिएगा। इतना आसान नहीं है इस देश की जमहूरियत को खत्म कर देना, इतना आसान नहीं है हमारे आजादी के आंदोलन के इतिहास को भुला देना। और जब आजादी के आंदोलन के इतिहास की बात करते हैं तो मैं कई बार पूछता हूं कि कोई कच्छाधारी हाफ पेंट वाला हमको आकर के बताए कि उसके संगठन से कौन आदमी जान दिया है इस देश के लिए। ये सवाल मैं उससे पूछता हूं। आप लोग शहादतों को याद कर रहे हैं, शहीदों को याद कर रहे हैं, मुझे बताइए एक भी आदमी जो शहीद हुआ हो और बड़ी चालाकी से मरे कोई पीठ कोई और थपथपाए। प्रधानमंत्री जी दीपावली मनाने के लिए गए थे, कहां? सेना के पास। प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छी बात है, उन शहीदों के घर भी जाइए जिनके घर का चिराग बुझ गया है, जरा जाकर के वहां भी दीपावली का दीप जलाइए। और शहीदों के नाम पे जो दीप जलाया गया है ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन आइए एक दीप जलाते हैं उन किसानों के लिए भी जो खेतों में आत्महत्या करने को विवश हैं। एक दीप जलाते हैं उन मजदूरों के नाम भी जिनको उनका न्यूनतम मजदूरी नहीं दिया जाता है। एक दीप जलाते हैं उन दलितों के नाम भी जिनको कभी भी इंसान होने का दर्जा नहीं इस देश में दिया जाता है। एक दीप जलाते हैं उस महिला के नाम भी जिसको हमेशा दोयम दर्जे का समझा जाता है। और मोहन भागवत साहब कहते हैं कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। साहब, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती तो खेती का आविष्कार नहीं होता, अगर खेती नहीं होती तो सभ्यता नहीं आती। आप सभ्यता को नकारने वाले लोग हैं, जनता आपको माफ नहीं करेगी। आइए दीप जलाते हैं उन बच्चों के नाम जिसकी माँ आंगनवाड़ी में काम करती है, जिसका बाप चूड़ी बेचता है, जिसकी माँ सिलाई मशीन का काम करती है, दूसरे के घरों में जाकर के बर्तन धोती है, उसका बच्चा अपनी मेहनत से अच्छी यूनिवर्सिटीज में पहुंचता है और अपनी जान देने को विवश हो जाता है, वो जान देता नहीं है, उसकी जान ली जाती है, एक दीप उसके नाम भी जलाते हैं। एक दीप जलाते हैं इस देश के वो लाखों करोड़ों नौजवान जो बेरोजगारी की मार से मर रहे हैं और उनको आज तक रोजगार नहीं दिया गया है। और क्या कहा था आपने? आपने कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे। मोदी जी सिर्फ इतिहास में ही फेल नहीं किए हैं, इनका गणित भी बहुत खराब है, ये बात मैं आपको बता देता हूं। ये बोले थे 2 करोड़ रोजगार, कितना पैदा हुआ? मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बोलूंगा तो बोल देंगे कि देश विरोधी बोला है। ये उनका सरकारी आंकड़ा कहता है कि पिछले साल सबसे कम रोजगार पैदा हुए, पिछले 5 सालों में कुल रोजगार पैदा हुए 1,35,000। मोदी जी बताइए 2,000 रोजगार कहां है, 2 करोड़ रोजगार कहां है? रोजगार पैदा नहीं हुआ, लोगों के खातों में 15 लाख रुपया नहीं पहुंचा, बुलेट ट्रेन भी अभी तक चली नहीं है, कही जा रही है। अब सारी की सारी राजनीति किसके नाम पे होगी? पाकिस्तान के नाम पे। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को आज यदि हम दुनिया के नक्शे से मिटा दें तो हमारी गरीबी मिट जाएगी, हमारी भुखमरी मिट जाएगी, हमारी बेरोजगारी मिट जाएगी, हमारे देश के अंदर जो जातीय उत्पीड़न है वो खत्म हो जाएगा, महिलाओं के साथ अत्याचार और बलात्कार बंद हो जाएंगे, ऐसा महसूस होता है। साहब, जो अपनी मार से मर रहा है उसको क्या मारोगे? पाकिस्तान में रोज बम ब्लास्ट होता है, सिया मार दे सुनी को, सुनी मार दे सिया को, और जो बच जाए उसको मार दे पाकिस्तान की मिलिट्री, और जो उससे बच जाए उसको भुखमरी मार दे, उसको आप क्या मारेंगे? दरअसल मसला क्या है? मसला ये है कि मोदी जी चाय बेचते थे कि नहीं बेचते थे नहीं मालूम, लेकिन इनको चाय पे चर्चा बहुत पसंद है। तो ये क्या किए, ये जब प्रधानमंत्री बने
तो सोचे जरा नवाज शरीफ के साथ चाय पीकर के आते हैं, और चले गए, बिरयानी भी खाई, चाय भी पिया और आम भी लेकर के आ गए। साथ ही साथ एक समझौता भी कर लिया कि ऐसा करते हैं, थोड़ा युद्ध युद्ध खेलते हैं, इधर तुम चुनाव जीत जाना, उधर हम चुनाव जीत जाएंगे, गरीबी भाड़ में जाए। ये बड़ा अच्छा टैक्टिक्स है, चुनाव जीत कर आइए विकास के नाम पे। आपको पता है कि विकास नहीं हो सकता। विकास क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि विकास जो है, विकास को गिरवी रख लिया गया है अंबानी और अदानी के द्वारा अपने घरों में। और ये अंबानी और अदानी जो है, इनको चंदा देता है उड़न खटोला पे उड़ने के लिए, जिसपे उड़ करके ये दुनिया का परिक्रमा कर रहे हैं। और ये उतरेंगे उस परिक्रमा से, उस उड़न खटोला के नीचे, 5 साल के बाद जब चुनाव आएगा, तब पूछेगी जनता कि मोदी जी कहां विकास दिख नहीं रहा। अच्छा दिन तो बोलिए ही मत, अच्छी रात भी नहीं बीत रही है, क्योंकि भूखे पेट नींद नहीं आती है। न दिन अच्छा, न रात अच्छी, न पड़ोसियों से संबंध अच्छे। तो ऐसे में तो लोग पूछेंगे, तो उत्तर प्रदेश का चुनाव कैसे लड़ेंगे? तो उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार आर्मी के कंधे पे बंदूक रख करके लड़ी जाएगी। मोदी जी, आर्मी तो अपने कंधे पे बंदूक हमेशा लेकर के चलती थी, उसका इस्तेमाल इस देश की रक्षा के लिए होता था। आप बखूबी उसका इस्तेमाल इस देश को तोड़ने के लिए कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि हम ये बात समझ रहे हैं, और जब हम समझ रहे हैं तो हमने लोगों के बीच जाकर समझाने का खतरा उठाया है, क्योंकि मुक्तिबोध कहते हैं कि अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे, और हमने ये खतरा उठाया है। आप कुछ भी कह लीजिए, आप देशद्रोही कह लीजिए, ऐसा लगता है जैसे आजकल बीजेपी वाले ट्रेवल एजेंसी चलाते हैं। कुछ भी आप मोदी जी के खिलाफ बोलिए, कहेगा कि पाकिस्तान जाओगे क्या, ऐसा लगता है जैसे इनका ताऊ वहीं पे रहता है, हर बात पे आपको पाकिस्तान भेजेगा। भाई, मैं रहता हिंदुस्तान में हूँ, पैदा हिंदुस्तान में हुआ, बात हिंदुस्तान की करता हूँ, तुम पाकिस्तान क्यों भेजना चाहते हो? बताओ, कितना घूस लिए हो बताओ, तो ये एजेंडी चलाने का। ये सवाल जब उनसे पूछेंगे तो उनको बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और तब वो क्या कहेंगे कि 2.5 साल पहले तुम लोग क्यों नहीं बोलते थे जब बीजेपी की सरकार नहीं थी? हम बोले, तुम अपनी तरह हम लोगों को मत समझो, हम तब भी बोलते थे जब अंग्रेज थे, हम आज भी बोल रहे हैं जब अंग्रेजों के चमचे सत्ता पे बैठ गए हैं। और भगत सिंह ने कहा था कि गोरे लोग चले जाएंगे, ये काले अंग्रेज राज करेंगे, और ये जो लोग हैं इनके इतिहास को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल कहा जा रहा है सोच बदलो देश बदलेगा। तो कौन सी सोच ले लें? आरएसएस वाली सोच ले लें, जो कहता है कि मनुस्मृति जो है वो बहुत अच्छा ग्रंथ है। आरएसएस वाली सोच ले लें, जो कहता है कि महिलाओं और पुरुषों में गैर बराबरी होनी चाहिए। आरएसएस वाली सोच ले लें कि कहें कि इस देश के अंदर जितनी समस्या है उसके लिए जिम्मेवार अगर कोई है तो वो अल्पसंख्यक हैं। आरएसएस वाली सोच ले लें कि अपनी जो संप्रभुता है, जिसको हमने लड़ करके हासिल किया था, उसको इजराइल और अमेरिका के हाथों गिरवी रख दें। भैया, ऐसा सोच नहीं चाहिए, अपना सोच अपने पास रखिए, और हम जो अपना सोच तैयार करते हैं इस देश के संविधान के हिसाब से, हमको अपने देश के संविधान के हिसाब से जीने दीजिए, उसी तरीके से हमको सोचने दीजिए, उसी सोच से देश बदलेगा, आपके सोच से देश नहीं बदलने वाला है। आजकल एक नई खबर आई है, अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि मास्टरमाइंड पकड़ा गया है, और वो मास्टरमाइंड कैसा होता है कि बिल्कुल बेवकूफ की तरह पकड़ा जाता है। मेरे मन में ये बड़ा सवाल रहता है कि ये कैसा मास्टरमाइंड है भाई कि बेवकूफ की तरह पकड़ा जाता है। कल की एक खबर है, भोपाल पुलिस ने, ऐसा पुलिस कहती है, मैं नहीं कहता, 8 आतंकियों को मार गिराया जो जेल तोड़ करके भाग गए थे। भाई साहब, या तो अंग्रेजों की तुलना में हमारे जेल कमजोर हो गए हैं, क्योंकि अंग्रेज के समय में लोग जेल तोड़ नहीं पाते थे, या हमारी पुलिस जो है वो ज्यादा ताकतवर हो गई है। देखिए कितनी अच्छी कहानी है, इतना बड़ा आतंकवादी
जेल तोड़ दिया उसने, लेकिन कितना बड़ा बुद्धू है कि आठों एक ही जगह पे जाकर के पुलिस को मिल गया। सपोज कीजिए कि मैंने जेल तोड़ा और अपने साथ सात साथियों को भगाया, तो कहेंगे ना कि भाई अलग अलग दिशा में चले जाओ, पकड़े जाएंगे तो एक दो पकड़े जाएंगे, एक दो बच जाएंगे। लेकिन वो सब कहा कि नहीं, साथ जिएंगे साथ मरेंगे जैसे प्रेमी युगल हो। उसके बाद ये खबर आई है कि जेल तोड़ दिया, गार्ड को मार दिया, लेकिन सारे कैदी जो जेल में थे वो सब लोगों का हृदय परिवर्तन हो गया, वो बोले हम जेल में ही रहेंगे, नहीं भागेंगे। बताइए, ऐसी कहानी अगर इस देश में सुनाई जा रही हो और फिर नकली 56 इंच के सीने को थपथपाया जा रहा हो, तो आप बताइए कि देश कहां जा रहा है। और बार बार विचार कीजिए कि क्या ये करतार सिंह सराभा के सपनों का देश है, क्या ये भगत सिंह के सपनों का देश है, क्या ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों का देश है। ये बात आपको बार बार पूछनी पड़ेगी। मैं तो पूछता हूं तो दुखी हो जाता हूं, और दुखी होकर के कुछ और दुखी लोगों से मिलता हूं तो कहता हूं कि चलो कुछ नहीं होगा तो कम से कम ठहरे हुए पानी में कंकड़ तो मारेंगे, थोड़ी तो हलचल होगी। और जब ये करते हैं तो कहते हैं कि आप पढ़ने लिखने आए हैं, राजनीति मत कीजिए। मजेदार बात ये है कि ये वो लोग कहते हैं जो राजनीति करते हुए देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री बने हुए हैं। मतलब आप करिए तो बहुत बढ़िया, हम करें तो बहुत खराब। मैंने आप कभी सुने हैं कि कोई डॉक्टर कहे कि मेरा बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा, कोई इंजीनियर कहे कि मेरा बेटा इंजीनियर ना बने, कोई आईएएस कहे कि मेरा बेटा आईएएस नहीं बने। इस देश में दो लोग हैं, एक किसान कभी नहीं कहता है कि मेरा बेटा किसान बने, और दूसरा राजनीतिक कभी नहीं कहते हैं कि मेरे बेटे के अलावे दूसरा कोई राजनीति करे। ये एक बड़ा जो है सिमिलरिटी आपको दिखेगी। मतलब आप परंपरा देख लीजिए, मंत्री जी का बेटा दोबारा मंत्री होगा, मुख्यमंत्री जी का बेटा दोबारा उप मुख्यमंत्री होगा, लेकिन आम इंसान राजनीति नहीं, अपने हक की बात करना शुरू कर दे तो कहेंगे कि राजनीति मत कीजिए। अरे नहीं करेंगे मोदी जी, आप ही कीजिए राजनीति, हमको बस हमारा हक दे दीजिए, आपने जो वादा किया था वो वादा पूरा करा दीजिए, हम राजनीति नहीं करेंगे। अब मुझे बताइए, हरिशंकर परसाई ने कहा कि भेड़ियों ने ठेका ले लिया है भेड़ों का कि हम उसको नहीं खाएंगे, तो भेड़ों ने समझा कि अब अपनी सुरक्षा की चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी सुरक्षा तो अब भेड़िया खुद करेंगे। ये कुछ ऐसी ही बात है कि हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी उन लोगों ने ले ली है जिनसे हमको सबसे ज्यादा असुरक्षा है, और जब हम अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंतित होते हैं तो वो कहते हैं कि चिंतित मत होइए, आप हमारी कस्टडी में हैं। आज से नहीं साहब, हम तो हजारों साल से आपकी ही कस्टडी में हैं। मेहनत करते हैं, मजूरी करते हैं, इस देश को, समाज को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाते हैं, और जब अपना हक मांगते हैं तो आपको पेट में दर्द होने लगता है। और ये हक मांगने की जो बात है, अगर ये राजनीति है तो दावा ठोक के कहता हूं कि करूंगा, पूरे मन से करूंगा और आपके खिलाफ करूंगा, और आप ये साजिश करना बंद कर दीजिए। अगर राजनीति करना इतना ही खराब था तो भगत सिंह कॉलेज छोड़ करके क्यों अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए आए? राजनीति करना इतना ही खराब था तो गांधी जी के आह्वान पे तमाम लोग स्कूल कॉलेज छोड़ करके देश के आजादी के आंदोलन में क्यों हिस्सा लिए? और जब हम देश के आजादी के आंदोलन का हिस्सा लेने की बात करते हैं, शहीदों की बात करते हैं, तो ये तुरंत कह देंगे कि कुत्ता तुम अपनी तुलना शहीदों से मत करो। तो मैं इनको कहता हूं कि मैं अपनी तुलना शहीदों से कर भी नहीं सकता, क्योंकि शहीदों ने जिन रास्तों को चुना है।